हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 17 प्लाजा। जी हाँ, सेक्टर 17 जिसको चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसको सेक्टर 17 प्लाजा कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितनी दुकानें हैं, कितने ब्रांडेड शोरूम हैं और कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनमें सरकारी तंत्र अपना काम करता है। जी हाँ, सेक्टर 17 प्लाजा ख़ास तौर पे एजिटेशन, थिएटर एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। बेशक आज अलंते मॉल खुल चुका है, लेकिन सेक्टर 17 की जो ग्रेस है उसका मज़ा ही कुछ और है। जब भी आप यहाँ पर आएँ, सेक्टर 17 घूमें और इसका लुत्फ लें। तो चलिए, आइए अब मैं आपको सेक्टर 17 की और सैर करवाता हूँ। आइए मेरे साथ। आप देख सकते हैं इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे बिल्कुल है नीलम थिएटर। ये थिएटर बहुत पुराना है और इस थिएटर की हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। जिस वक्त चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया जा रहा था, प्लाजा को डिज़ाइन किया जा रहा था ली कार्बुज़र और जॉन पेरे की गाइडेंस में, तो आदित्य प्रकाश ने नीलम थिएटर को डिज़ाइन किया था। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है। जब कभी भी आपका फिल्म देखने का मन करे तो चंडीगढ़ में महज यही एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा बचा है, और आप जब भी कभी आएँ तो इसमें फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, आपकी यादें जो हैं वो एकदम ताज़ा हो जाएंगी। दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूँ अपनी पसंदीदा जगह पर। ये वो कॉर्नर है जहाँ पर मैं अक्सर आकर बैठता हूँ। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुरानी फिल्मों के गाने लगातार बजते रहते हैं। यहाँ पर आप गज़लों का भी लुत्फ ले सकते हैं। यहाँ पर जगजीत, लता, किशोर, रफ़ी, मुकेश, सो मैनी सिंगर्स, आप कितने सिंगर्स का यहाँ लुत्फ उठा सकते हो। देख रहे हैं इस वक्त जिस साइकिल पर मैं बैठा हूँ, इसको स्मार्ट बाईसाइकिल कहा जाता है। जब भी आप सेक्टर 17 आए तो आप इस साइकिल का लुत्फ ले सकते हैं। इसके जो चार्जेस हैं वो ₹10 में आधा घंटा, और फिर एडिशनल चार्जेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसका एक सीधा सा लॉजिक है, आप जब भी यहाँ पर आएँ, अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करें, इसको स्कैन करें, इसका लॉक खुद ब खुद खुल जाता है और पूरे सेक्टर 17 में आप साइकिल पर लुत्फ ले सकते हो पूरी राइडिंग। तो मैं आप पहुंचा हूं चाय की टपरी पर। ये वो दुकान है जो पिछले 35 सालों से यहाँ पे चल रही है, बादस्तूर सुरेंद्र कुमार जी इसको चला रहे हैं। जब भी कभी लोग यहाँ पर आते हैं तो इस दुकान पर चाय पिए बिना नहीं जाते। दोस्तों, जब कभी आप सेक्टर 17 घूमने आए और आपको लगे कि आप थक चुके हो चलते चलते, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके लिए ई रिक्शे का इंतज़ाम किया हुआ है। इस ई रिक्शा पर बैठकर आप पूरे सेक्टर 17 को घूम सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और कोई किराया नहीं, ये फ्री में आपको सेक्टर 17 की सैर करवाते हैं। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं टीएस सेंट्रल लाइब्रेरी। इसका निर्माण 1955 में किया गया था। ये वाहिद एक ऐसी लाइब्रेरी है चंडीगढ़ में। यहाँ पर आप पुरानी से पुरानी किताब को इशू करवा सकते हैं। यहाँ पर दुनिया भर का लिटरेचर पड़ा है, पंजाबी, हिंदी, रशियन, कितना सारा लिटरेचर है जिसको आप पढ़कर अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ की जो मेंबरशिप है उसकी फ़ीस है ₹500। महज ₹500 में आप अपना लाइफ टाइम का कार्ड बनवा सकते हैं और यहाँ पे किताबों का लुत्फ ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, जो लोग सीनियर सिटीजनशिप में आते हैं
उनको 4 किताबें इशू होती हैं 14 दिन के लिए, और जो लोग अडल्ट हैं उनको 2 किताबें, वो भी 14 दिन के लिए। जब भी कभी 17 सेक्टर आए तो लाइब्रेरी में ज़रूर होके जाए। हम आप पहुंचे हैं डीसी ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने नोटरी वाले बैठे हैं। आपको कोई भी एफिडेविट टाइप करवाना हो, टेस्टेड करवाना हो, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप्स की रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करवाने के मतलब जो भी फॉर्म आपने टेस्टेड करवाना हो, आप सेक्टर 17 में यहाँ पर आकर करवा सकते हैं। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं जगत थिएटर। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, TDI मॉल इसको बोलते हैं, लेकिन इससे पहले ये जगत थिएटर था। मैंने बहुत सी फिल्में देखी। तो जिस जगह पर मैं बैठा हूँ ये सबवे, ये सेक्टर 17 को रोज़ गार्डन से जोड़ता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट जो है अपनी रिहर्सल करते हैं, वो चाहे थिएटर के आर्टिस्ट हों, वो चाहे डांस के आर्टिस्ट हों, वो चाहे स्कल्पचर के आर्टिस्ट हों, सब लोग यहाँ पर आके अपनी रिहर्सल्स करते हैं। सत्रह घूमते घूमते अब हम पहुँचे हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस की तरफ। जी हाँ, इंडियन कॉफ़ी हाउस। बेशक आज की इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ही CCD खुल गए हों, लेकिन इंडियन कॉफ़ी हाउस का अपना ही एक लुत्फ है, अपना ही एक मज़ा है। इंडियन कॉफ़ी हाउस जो कि 1957 में इस्टेब्लिश हो चुका था, तो वो कॉफ़ी हाउस है। यहाँ पर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बैठकर अपनी तकरीरें करते हैं, लिटरेचर पर बातें करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस, क्योंकि मैं अब काफ़ी थक चुका हूँ और अब एक कप कॉफ़ी का पी के तरोताज़ा होकर फिर मैं आपको सेक्टर 17 की सैर कराऊँगा। आप पहुँचे हैं फाउंटेन के पास। ये जो फव्वारे आप देख रहे हैं ये प्लाजा में शाम को 7:30 बजे चलते हैं, और ये 2014 से लगातार चलते आ रहे हैं। 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक ये फव्वारे चलते हैं और लोग इनका लुत्फ लेते हैं। ये म्यूज़िकल फाउंटेन, जैसे जैसे म्यूज़िक अप डाउन होता है तो ये फव्वारे अपना रंग बदलते हैं, अपनी वेव बदलते हैं। आइए मैं उन फव्वारों के पास आपको ले।